जैसे मैं बता चुका हूं कि भाव का स्टेज जब तक नहीं आएगा तब तक आपका पतन होने के पूर्ण चांस है। जैसे पता है आपको क्या है, पहला क्या होता है, आदौ श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थों की निवृत्ति होती है साधु संग करने से, संग करने से, मिलने से नहीं, साथ रहने से भी नहीं, संग करने से अनर्थों की निवृत्ति होती है। और अनर्थों की निवृत्ति के बाद क्या होता है, निष्ठा पैदा होती है। उसका मतलब हमारी श्रद्धा को निष्ठा बनने में क्या चीज रोक रही है, अनर्थ रोक रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये हमें जो है ये रोक रहे हैं। और मजे की बात यह है, ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपको क्या इन छहों में क्या रोक रहा है, ये आप ही को पता है। और भगवान को पता है, गुरु के रूप में तो भगवान मूर्ख बनने आते हैं, शिष्य मूर्ख बनाना चाहता है बनते रहते हैं, परंतु मूर्ख तो वो खुद ही बनता है। तो आया क्या, निष्ठा, और निष्ठा के बाद क्या आता है, रुचि, टेस्ट आया, और रुचि के बाद आता है आसक्ति, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं आएगा आसक्ति कैसे आ जाएगी, आएगी। भौतिक जगत का जन्म जन्मांतर से टेस्ट आया हुआ है, जन्म जन्मांतर से सुअर बने हुए हैं, तो इसलिए आपकी रुचि किसके प्रति है, आध्यात्म के प्रति नहीं, भौतिक के प्रति है। इसी कारणवश तो रुचि, और रुचि के बाद भाव, फिर भाव उदय होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भाव की स्टेज तक गिर सकता है क्या, हाँ, इसलिए। और ये भाव जब कंटिन्यूस हो जाता है तो ये प्रेम में परिवर्तित हो जाता, फिर नहीं गिरता व्यक्ति, फिर उसका पतन कभी नहीं होता। इसीलिए शुरू में क्या होगा, बोले गुरु जी शुरू शुरू में कभी तो भाव आता है, कभी आता है कभी नहीं आता, तो हकीकत में वो भाव नहीं है, परंतु भाव की परछाई सी है। क्या है, क्योंकि अनर्थों के साथ भाव कैसे आ सकता है, आ ही नहीं सकता। और अनर्थ निवृत्ति कब होगी, जब आप सही तरह से भजन क्रिया करोगे तब साधु संग होगा, गुरु की आज्ञा का पालन करोगे तब जाकर आपके जीवन के अंदर अनर्थों को समाप्त करने की शक्ति जो है वो गुरु के वाक्यों में है। ये हाथ वात सर पे रख देना, ये सब चक्कर नहीं, जी शॉर्टकट मांगते हैं तो भौतिक जगत में भी नहीं होता। क्या सर पे हाथ रख दिया बच्चे का और बच्चा 25 साल का हो गया, देखा आज तक, हैं जी कहीं देखा है, लोकानंद प्रभु फरीदाबाद में हुआ कभी ऐसा, कोई नहीं सकता। तो इसलिए ये ध्यान रखिए इन स्टेप्स को।